जिस इंसान ने हमें गुलाम बना के रखा था इतने सालों तक, उसके लिए हम मातम क्यों मनाएंगे? अपना ही इंसान समझ लो, अपना भाई हो या किसी, अपने को प्रॉब्लम दे रहा है तो मैं उसके लिए क्यों खड़ा हूँ? तो शायद से गवर्नमेंट अभी सबसे डिसीजन ले रही है। बीते 8 सितंबर को एलिजाबेथ सेकंड की 96 साल की उम्र में मौत हो गई। एलिजाबेथ सेकंड यूनाइटेड किंगडम की रानी थी। वही अंग्रेज़ जिन्होंने हम पर करीब 200 सालों तक राज किया, उनकी जो रानी है उनकी मृत्यु पर इंडिया में आज इंडियन फ्लैग को हाफ डाउन किया गया। तो लोगों के मन में इसके प्रति क्या राय है? क्या वो आक्रोशित हैं? उनको मन में गुस्सा है कि जिन्होंने हम पे राज किया, जिन्होंने हम पे अत्याचार किए, उन लोग उनकी रानी की मौत होने पर हम लोग इनको इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? क्या है उनकी राय? आइए जानेंगे लोगों से पब्लिक ओपिनियन में। अभी हाल ही में एलिजाबेथ टू की जो डेथ हुई है, उनके जो शोक या फिर उनको रेस्पेक्ट दिखाने के लिए आज पूरे इंडिया में इंडियन फ्लैग्स को हाफ डाउन किया गया है, तो उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? नहीं, वैसा कुछ नहीं करना चाहिए। अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के साथ तो कभी नहीं करना चाहिए। अगर हमारे देश का कोई होता तो चलो एक बार को चल भी जाएगा, पर दूसरे देश का तो नहीं। बेवकूफ़ी है लोगों की। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना थोड़ा ट्विटर का अकाउंट बढ़ाने के लिए उनका RIP वगैरह डाल देते हैं कि हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस वजह से डाल देते हैं। वैसे करना तो मेरे हिसाब से तो अंग्रेज़ को तो कभी नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान का कोई है तो चलेगा, हमारे देश का कोई भी नेता है या जो भी है, उसके साथ आप ऐसा झंडे को आप नीचे करते हो। कोई नेता है हमारे देश का, अच्छा नेता है, उसके साथ, ये नहीं कि ख़राब नेता है तो उसके साथ भी वही काम कर रहे हैं। हमारे देश में इतने जवान मरते हैं, ये होता है वो होता, तब तो कोई कुछ नहीं करता। लेकिन ये विदेश का आदमी मर गया तो उसके लिए झंडा झुका दिया, ये गलत है, मेरे हिसाब से बहुत गलत है। सर, हमारा कहना ये है, जिस इंसान ने हमें गुलाम बना के रखा था इतने सालों तक, उसके लिए हम मातम क्यों मनाएंगे? सर, हमारा तो कहना ये है, जब अंग्रेज़ मरे हैं, उनकी रानी मरी है, तो उससे हमें क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ तो सब कुछ चालू रहना चाहिए, हमें शोक नहीं मनाना चाहिए सर उनके बारे में। जो हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी थे, वो शहीद किसके लिए हुए थे? ये अंग्रेज़ों की वजह से ही तो हुए थे सर। अंग्रेज़ों से लड़ाई करने की वजह से वो हमारे देश के शहीद हुए थे, सिर्फ उस अंग्रेज़ों की लड़ाई में ही ख़त्म हुए थे, और उनके लिए हम मातम मना, ये गलत है सर। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्यों करेंगे भाई? वो अपनी जगह किसी, उनने यहाँ पे अपना जो भी किया, राज किया या जो भी किया, ठीक है, लेकिन ये मेरा देश है, उनका नहीं है। और वो मरे या जिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति की वजह से हमें प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह, उसको मैं शहादत क्यों दूँ? उसको सम्मान क्यों दूँ मैं? हमें अगर जिस, अब अपना ही इंसान समझ लो, अपना भाई हो या किसी, अपने को प्रॉब्लम दे रहा है तो मैं उसके लिए क्यों खड़ा होऊंगा? उसको गैर मानूंगा ना। वैसे ही हम, जैसे हमारे भाई थे या हमारे पूर्वज थे, जो उनकी वजह से प्रॉब्लम में आए, कुर्बानी अपनी दी, सब कुछ किया, तो उनको हम शहादत क्यों देंगे? आई थिंक दैट इज़ समहाउ करेक्ट। वी शेयर अ बॉन्ड विद ब्रिटिशर्स एनी वे, दे हैव रूल्ड अस फॉर 200 ईयर्स, बट दैट इज़ पास्ट एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। वी शेयर हिस्ट्री एंड समवन हैज़ सम इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड हैज़ डाइड, मतलब शी वॉज हेड ऑफ ऑलमोस्ट 14 countries। सो हाँ, 14 and 15 countries, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, बट आई थिंक दैट शुड बी ओके, वी शुड रिस्पेक्ट पीपल आफ्टर डेथ। लेकिन उन्होंने जो वही अंग्रेज़ है जिन्होंने हम लोगों को 200 सालों तक राज किया, उन लोग हम लोगों को टॉर्चर किया, कितने बुरी तरीके से रखा, हम लोग यहाँ पे कितने इंडियंस को इंडिया की कंट्री में इतना पीछे रखा, तो उसके बाद भी या आई नो दे हैव डन टेरिबल जॉब विद अस, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड मूव ऑन, वी शुड लुक फॉरवर्ड। वी हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप दैट वी शेयर विद UK, एंड कीपिंग दैट इन माइंड, कीपिंग इंडिया, मतलब इंडो पैसिफिक, ऑल दैट इन माइंड, आई थिंक दिस इज गुड गेस्चर फ्रॉम इंडिया, एंड दैट्स हाउ वी कैन, एंड दैट्स हाउ वी कैन मेक आवर रिलेशनशिप गुड, बेटर, एंड बेसिकली टू मेंटेन द इंटीग्रिटी अमंग अक्रॉस द बॉर्डर। सो आई थिंक इट्स गुड कि वी आर शोइंग रिस्पेक्ट आफ्टर डेथ। दैट वाज फाइन, दे रूल्ड अस, यस, बट वी आर शोइंग द रिस्पेक्ट, एंड वी हैव टू शो आवर फ्रेंडशिप, एंड वी हैव टू, लाइक वी कैन ग्रो कम्प्लीट टुगेदर, लाइक वी कांट ग्रो सिंगलली। ये जो इंडिया और UK के रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो शायद से इसलिए गवर्नमेंट ने उनको रिस्पेक्ट के लिए ये डिसीजन लिया है कि हमें आज हाफ फ्लैग को डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि हमारे जो रिलेशन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ब्रिटेन के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ, तो शायद से गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसीजन ले रही है। और जो पास्ट था वो तो सब अलग ही था, क्योंकि यूके ने इंडिया पे नहीं, बहुत सारी कंट्रीज पे किया था। अब जो प्रेजेंट टाइम में सीनरी पूरा चेंज हो चुका है, आजकल हम इकोनॉमिकली देखते हैं दूसरे कंट्री से रिलेशन कैसे हैं, हमको इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल होना है, तो इसलिए हमारे यूके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया ऑफ अमेरिका हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया, चाइना से भी, जैसे हमारा, चाहे हमारा एनिमी स्टेट है हो, लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा उन्हीं से जो हमारे बिजनेस है उनसे बहुत ही सेकेंड नंबर पर है। तो इसीलिए शायद से यूके से हम नहीं चाहते कि हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो हमारा रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, इसलिए डिसीजन लिया गया है, और ये सही है शायद से। अच्छा, क्योंकि मॉडर्न टाइम के हिसाब से तो बिल्कुल सही है। अच्छा, जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनको ख़राब लग रहा होगा, अगर उनको ख़राब लग रहा है तो उसके लिए फिर इसके बारे में तो इतना मैं, हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम तो इतने उस टाइम से हैं नहीं, हम उस एरा से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। हम जो प्रेजेंट जो चल रहा है हमारी आजकल जो मॉडर्न डे में चल रहा है, हम उसके हिसाब से बता सकते हैं, क्योंकि जो आजकल जनरेशन है वो नहीं जानते कि 47 या उससे 200 साल पे क्या हुआ हमारे पास, हमने स्टोरीज में ही पढ़ी है। तो इससे थोड़ा, इस बारे में थोड़ा जज करना टफ है आजकल की यंग जनरेशन के लिए, बहुत टफ है।